नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तलवंडी साबो के नगर कौंसिल अध्यक्ष की गाड़ी भवानीगढ़ के गांव कालाछा टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई, हुई मौत। मुख्यमंत्री पंजाब की चंडीगढ़ में सेक्टर 2 स्थित कोठी से कुछ दूरी पर राजेंद्रा पार्क में मिला बम शेल, मचा हड़कंप। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के भवानीगढ़ के गांव कालाझाड़ टोल प्लाजा पर तलवंडी साबो के नगर कौंसिल अध्यक्ष की गाड़ी टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराने के कारण उनकी मौत हो गई। पारिवारिक सदस्यों और स्थानीय लोगों के अनुसार यह हादसा रात के समय धुंध के चलते हुआ, जब अजीज खान अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बठिंडा से पटियाला की ओर जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी कालाझाड़ टोल प्लाजा के नज़दीक पहुंची, तो वहां पर लाइटें और धुंध में इस्तेमाल होने वाली कोई लाइट ना होने के कारण उनकी गाड़ी टोल प्लाजा की वीआईपी लाइन में बने डिवाइडर से टकरा गई, जिस कारण मौके पर ही अजीज खान की मौत हो गई, जबकि उनका गनमैन घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। रणजीत सिंह कालाझाड़ वीर जी, असं प्रशासन तो मांग करते, देखो रात भी एक एक्सीडेंट होया, क्योंकि इतों लगे कालाझाड़ तो लगे सिरे तक जी लाइटा ने साइडा तो सारिया लाइटा बंद पे, घट्टो घट्ट 2 साल हो गए, क्योंकि जो दूरों लाइटा चलदियाँ हूँ अगले पता लग जाता भी टोल प्लाजा रहा, टोल प्लाजे का कोई पता नहीं लगता, रात में लवे आ के अगले पता लगता मूहे डिवाइडर से जाके देखो रात मुंडे की कितने डैथ हो गई गड्डी लगने द्वारा, दोए साइडा के उपर मिट्टी पई है, देखो जाके सड़क का की हाल आ। कई बार असं पिंड वालों भी कह चुके इन्हों भी तुम ये साइडा तो मिट्टी हटा दो, भी नाले लाइटा चल दिया करो, कोई सुनता नहीं, इतने कोई सुनवाई नहीं गी, सिर्फ टोल प्लाजे से जे कोई माड़ा लंघन लगता ना धक्का कुटमार होंगी, और कुछ नहीं इतने कर देंगे, सरेआम धक्का चल रहा, नजायज़ धक्का चल रहा। मेरा नाम मलकीत खान है जी, तलवंडी साबो तो। मैं ये जिहड़ा रात एक्सीडेंट होया, ये मेरा भतीजा जी अजीज खान मेरा भतीजा से, यह इलाके का पंजाब का नामी बंदा सी। देखो ये लाइटा ना चलण के कारण जिहड़ियां टोल प्लाजे ते लाइटा ना होने कारण दे कारण जा इन्हां दियां जिहड़ियां पूरियां जिहड़ियां बत्तियां लगियां होईयां जिहड़ियां चलनियां चाहीदियां वो ना चलण के कारण, जा इन्हां दी जिहड़ी वो पट्टी लगी हुई है, गड्डी तां हुण पट्टी दे हिसाब नाल आ रही सी, वो प जो धुंद आ ज्यादा तो पट्टी के हिसाब नहीं आऊ गड्डी, वो पट्टी के हिसाब ना रही, पट्टी से आ के बिच कौले दे विच वजी, वो मूहरे आ गया कौला कौले दे विच वजी, वह तो ये असी मंग करते हैं भी इन चीज़ों के इंसाफ होने चाहिए है। साडा तो हुण नौजवान मुंडा सीगा, साडा नौजवान मुंडे की मौत हो गई है। देखो ये छोटिया छोटिया लापरवाहियां भावें छोटिया भावें बड़िया, लेकिन बड़े हादसे करा देंदियां ने, इन्हां ये बारे प्रशासन ने ये बारे ध्यान देना चाहिए, असी मंग करते हैं। सर जो कोई लग रहा भी कोई हादसा जो हो कि उम्र से इन्होंने बीजी की कि इन्हों की उम्र सी जी 35 साल की उम्र सी, तुसी पता करोगे तलवंडी साबो दे विच इह मतलब नगर पंचायत का मीत प्रधान सी, ते नामी बंदा सीगा जी, सारे इलाके दे काम धंधे करदा कराउंदा सीगा, ते सिर्फ थोड़ी जी वजह करके उस हीरे की मौत हो गई है। चंडीगढ़ किस काम लिए जा रहे सी, की कोई वजह कोई पता लगे? ये कोई काम ही सीगा जी, इन्हां नूं मतलब अपना कोई घरेलू काम सीगा, किसी दे काम वापस जा रहे सी। मैं इस निरभय सिंह चौंकी कालाझाड़ वगे तैनात हाँ, तो साढ़े माणयोग एस एस पी साहब वालों जो नशा निर्देश ने भी रात को गश्त करनी है, असं गश्त ते जा रहे सीगे, तां सानूं 112 तो कंप्लेंट आई सी भी टोल प्लाजे ते कोई एक्सीडेंट हो गया, भी जाके देखा जाए, जिथे मैं जाके उत्थे मौके पर पहुँचे सी, तो एक स्कॉर्पियो गड्डी सी जो भवानीगढ़ तो पटियाला छड़न जा रही सी, तो उन्होंने उत्थे बने थड़े के नाल टकराउण करके एक्सीडेंट हो गया सी, जो अजीत खां पुत्र अजीत खां बासी तलवंडो साबुक का MC है, वो मौके पर ज्यादा सट्ट लगन करके पटियाला रैफर भेजता सी, तो जे उन्होंने गनमैन थे कि जब उन्होंने प्राइवेट बंदा सीगा वो उन्होंने भी सट्टा लगे सके, वो भी पटियाले भेजते थे, जो अजीत खान की जाके पटियाले डैथ हो गई, तो गनमैन तो मुंडा दूजा शमशेर खां वो ठीक ने, बाकी तफ्तीश कार्रवाई की कर रही, बाकी गड्डी असी कब्जे च लै ली जी, चौंकी च लिया है, बाकी जी कार्रवाई होगी अमन लिया। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की चंडीगढ़ में सेक्टर 2 स्थित कोठी से कुछ ही दूरी पर राजेंद्रा पार्क में एक बम शेल मिला है। बम शेल मिलने वाली जगह से कुछ ही दूरी पर हेलीपैड है,
जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करता है। वहीं बम मिलने की सूचना से चारों तरफ हड़कंप मच गया, तो वहीं चंडीगढ़ पुलिस की टीमें बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। गौरतलब रहे कि बम को फाइबर के ड्रम में रखकर चारों ओर से रेत की बोरियों से ढककर कवर कर दिया गया है और चंडी मंदिर में आर्मी को इसकी सूचना दे दी गई है। जो बम है वो मिला है, इन्फॉर्मेशन की सी थे उनकी रेत का कंट्रोल रूम पे मैसेज आया था 358 पे, ऐसे करके ये कांसल और ये जो नया ग्राउंड की जो टी पॉइंट है यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली है। तो जब हमने आके चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज़ अ लाइव शेल। तो अभी उसको सिक्योर कर लिया हमें और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी पता कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे यहाँ तक पहुँचा कैसे। जी तो सर अभी इसका क्या करेंगे, मतलब कि कुछ नहीं, अभी इसकी कार्रवाई है कि वी विल मेक इट अ सेफ एंड साउंड। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पुलिस बम स्क्वाड के साथ मिलकर हमारी टीम ने इसको हमने कवर कर दिया, अब आर्मी वाले आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। तो सर प्राइमरी में देखकर कुछ लग रहा है कि किस तरह का ये शेल है, कहाँ का आर्मी का है या किस तरीके का, कुछ ऐसा नहीं, ये तो अभी दिस इज़ द मैटर ऑफ डिफेंस ओनली। ओके, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी यहाँ कैसे आया और वो डिफेंस वाले बताएंगे कि किसका है किसका नहीं है। जी सर, जैसे पॉपुलेटेड एरिया लोगों को रोका जा रहा है पास में जाने से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी अभी यहाँ पे कॉटन ऑफ हो जाएगा, पूरा पुलिस की टीम लग जाएगी यहाँ पे एरिया की। सर रेस्क्यू टीम क्या कर रही है यहाँ पे, किस तरह का मतलब जो रेस्क्यू टीम हमारी टीम आई थी, हम मौके पे हमने पहुँचे तो हमने जब ये पता लगा तो अभी हमने सैंड बैग वगैरह लगाए हैं, मिलकर बॉम्ब डिस्पोजल की टीम थी पूरी। ओके, उनके साथ उनकी हेल्प की है हमने और उसको कवर किया है। ठीक है, आसपास काफी वीआईपी एरिया है, कोई साजिश लग रही है या क्या है? नहीं ये तो कोई चीज़, ये तो दिस इज अ टोटली इन्वेस्टिगेशन मैटर। जी अभी ये यहाँ तक कैसे पहुँचा ये तो वही बताएंगे ना। ठीक है, तो सर कोऑर्डिनेशन जो है हो चुकी है आर्मी से और जितने जो? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हमारे पूरे हायर अथॉरिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर बात चल रही है। जी पुलिस, अब ये सीएम हाउस से या सेक्रेटरेट से महज 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है स्पॉट, तो कुछ या सस्पेक्टेड ज़्यादा वैसे लग रहा है यार? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगले पहले भी यहाँ पे कई बार मिले हैं, ये ओल्ड एरिया यहाँ पे बड़ी बार मिलते भी हैं। ओके, ऐसा कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ का कोई इशू नहीं है। कबाड़ी वगैरह भी जैसे ज़्यादा है यहाँ? मोस्टली कबाड़ी है, ये वो वही होते हैं, वो यहाँ के थे कि वो पंजाब से थे, वो कौन थे ये तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है जी, थैंक यू। जालंधर में एक एम्बुलेंस चालक को लोगों द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। देर रात अड्डा टांडा फाटक के समीप श्री देवी तालाब मंदिर के सामने एक निजी अस्पताल के एम्बुलेंस चालक की किसी वाहन के साथ टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां पर गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस चालक को बाहर निकालकर उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। लोगों का आरोप था कि उक्त एम्बुलेंस चालक ने शराब पी हुई थी और वह सही ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस मामले को लेकर वहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना 8 के एसआई फकीर सिंह मौके पर पहुंचे। लोगों ने एसआई को शिकायत करते हुए कहा कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिस कारण उसने दूसरे वाहन को टक्कर मारी है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि एम्बुलेंस चालक ने शराब नहीं पी रखी थी, यह हादसा धुंध के कारण हुआ है, जिसके बाद एएसआई ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को मौके पर ही सुलझा लिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। यही गल ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੀਟ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਰੇਲ। ਸਰ ਪਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋੜੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਐਨਜੀਓ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰ? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰ? ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਬੋਲਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਭਰਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੋਈ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਸਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੇ ਐਨਜੀਓ ਚਲਦੀ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਰ? ਐਨਜੀਓ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੇ ਚੱਲ ਸਰ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੇ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸਰ? ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਕੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨਾ ਲੜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਈ ਦੱਸਿਆ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਨਸੈਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਐਨ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ। ਸਰ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਐਨ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬਲੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪੈਗ ਲਾਏ ਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਚੱਲ ਜੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਲੋਟ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲੋਟ ਵਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰ ਕਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਬਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸਰ ਡਰਿੰਕ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਰ नव वर्ष 2023 की शुरुआत के दौरान कई बड़े चेहरे राजनीतिक और कई बॉलीवुड कलाकार सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं जिसके चलते कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ बेटी अनायरा और पंजाबी गायक जसबीर जस्सी के साथ सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे जहां नतमस्तक होने के बाद उन्होंने पवित्र गुरुवाणी का कीर्तन भी श्रवण किया और नव वर्ष सबके लिए अच्छा हो इसकी अरदास भी की इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहिब में आकर हमेशा ही मन को शांति मिलती है उन्होंने कहा कि वे पहली बार अपनी बेटी को यहां नतमस्तक होने के लिए लेकर आए हैं और उनकी एक नई फिल्म भी आ रही है जिसकी सफलता के लिए भी उन्होंने यहां अरदास की है अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦਈਏ ਸੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਬਸ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗਾਟੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖਣ ਸਭ ਤੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਏ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਸੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਟੀਚਾ ਆ 2023 ਦਾ ਕੀ ਮਿੱਥਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪੰਡ ਸਰਬੱਤ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਰਾਜ ਭਰ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਏ ਗਏ ਥੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਕਨੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਬਸੰਤ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਪਤੰਗੋ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਾਹਨੋਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਥਿਆਰੋਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਅਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਥਾਨੋਂ ਕੋ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਹਥਿਆਰੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰ ਸਖਤੀ ਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए बठिंडा के एसएसपी जे एलन चेलियन ने बताया कि उनकी ओर से यह हिदायत दी गई है कि हथियारों को प्रमोट करने वाले किसी भी तरह के वाहन पतंगों व बैग इत्यादि पर पैनी नजर रखी जाए जो भी व्यक्ति इसकी खरीद या बिक्री करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हथियारों को प्रमोट करने से रोका जा सके सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੋਨਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AK-47 ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਸਾਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਪਦੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 40-45 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਜਾਮ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਨ ਕਲਚਰ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਗੇ ਆਪਦੇ ਟੈਟੂ ਟੂਟੂ ਇਹ ਗਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.47 ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਨ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਟੈਟੂ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤੀ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਫੁਕਰਪੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਗਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਾਂ ਤੇ ਕੈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੈਪਨ ਫੋਟੋਜ਼ ਡਾਲ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਹੜ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਹੈ ਟਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਕੀ ਤਰਫ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨੀ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਕਾ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਫ ਕਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ
सो आप जुडिशियसली माइंड अप्लाई करके कॉमन चीजें प्रमोट करें, पर्टिकुलर गन कल्चर को आप प्रमोट ना करें। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਜ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਮੇਂ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਕੇ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੇ ਲੇਕਰ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਇਤਿਆਦੀ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ और यहाँ पर और वाहन खड़ा करने की जगह भी नहीं है क्योंकि अधिकतर जगह इन वाहनों से भरी पड़ी है जिसके कारण वहाँ पर साफ सफाई भी नहीं हो रही। लेकिन इस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अगर सरकार इन वाहनों की नीलामी करवाती है तो जहाँ पुलिस स्टेशन और सदर थाना में जगह खाली होगी वहीं यहाँ सफाई भी हो पाएगी और इससे सरकारी खजाने में भी लाखों रुपयों का फायदा होगा। वहीं जब इस संबंधी एसडीएम अमरीक सिंह सिद्धू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे इस मामले के बारे में डीएसपी से बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। मोरिंडा से हलचल के लिए राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। सर देखने आए भी अपने पुलिस सिटी पुलिस थाने के काफ़ी मोटरसाइकिल गड्डिया वाहन खड़े ने जो कि कबाड़ बन रहे हैं कि इन्हों सर किसी ढंग ने बेचा जा सकता जिदा भी सफाई भी हो जाएगी तो जगह भी बन जाएगी पुलिस स्टेशन के। इस इशू बारे असीं डीएसपी साहब दे नाल टेकअप करांगे। एक्चुअली इहदे विच काफ़ी लीगल जिहड़ा हैगा पॉइंट्स इनवॉल्व हुंदे भी किस तरह का जिहड़ा हैगा कबाड़ है उहदे विच किस केस दे विच कोई केस प्रॉपर्टी है जां इहनूं किस तरह डिस्पोज ऑफ करना हैगा। असीं डीएसपी साहब दे नाल इशू टेकअप करके जिहड़ा भी कोई लीगली पॉसिबल होया उहनूं असीं डिस्पोज ऑफ कराउण दी कार्रवाई करांगे। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात की जाए नाभा क्षेत्र की तो कई दिनों से लगातार ठंड के कहर ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया क्योंकि लगातार कई दिनों से जहां सुबह ही धुंध पड़नी शुरू हो जाती है तो वहीं अब रात को भी धुंध का प्रकोप देखने को मिल रहा है। धुंध के कारण जहां विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन धीमी गति से चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा भी ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि धुंध के कारण काम काज भी ठप हो चुके हैं और वे दुकानें बंद कर घर को जा रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैं अपने शो बता के आ रहा जी अपने घर नु जा रहा धुंध करके कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक सरकार ने भी बेनती करना चाहना भी साइड से रिफलैक्टर सड़क से जरूर लावे भी कोई ड्राइवर न आम बंद पब्लिक न थोड़ा आसानी रहे पता ही नहीं लगता भी किधर जाना गड्डी साइड से कच्चे लग जाती है। धुंध बहुत ज़्यादा जी ठंड भी बहुत है धुंध बहुत है कुछ नहीं दिखता धुंध करके आवाजाही ठप हुई पी है गड्डिया बहुत स्लो जा रही ने। अज तो अठ सवा अठ बजे सत्त बजे आ गई सी धुंध सवेरे तो बहुत ज्यादा होंगी जी इस टाइम भी बहुत ज्यादा ही है असं दुकानदारी जल्दी बताया इसे करके धुंध करके कस्टमर ही नहीं है कोई कस्टमर तो काफ़ी असर बाहर नहीं निकल रहे लोग। हाँ जी हाँ कम कार एक तरह शाम को तो ठप्पे हो जाता जी सवेरे भी लेट आता कस्टमर शाम को बस 5 बजे तो बाद एक तरह का कम खड़ जाता जी। धुंध तो बहुत ज्यादा चल रही है जी देखो ट्रैफिक भी पूरा बहुत हौली हौली आ रहा है गड्डियां तुसीं ध्यान देखोगे मेरी बैक साइड से रश हूँ अस तो सैर करने निकले सी भी चल थोड़ी मोटी धुंध है लेकिन धुंध तो इन्नी ज़्यादा हो रखी अस तो घर हम वापसी कर रहे हैं हद विचाली छड़ के जा रहे हैं और लोगों को भी माड़ा जहाँ ध्यान नाल चलना चाहिए है ट्रैफिक देख के चलना चाहिए धुंध बहुत ज़्यादा है हाले टाइम भी हाले कुछ नहीं होया देखो 8:15 दी टाइम होया अब देख लो इन्नी धुंध पै रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से काम काज करने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ते कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। गौरतलब रहे कि इस बार पंजाब में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जिस कारण कामकाज करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो वहीं खासकर वो लोग जो ट्रक चलाते हैं उन्हें हाईवे पर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब इस बारे में ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि कोहरे की वजह से उन्हें ट्रक चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है।
उन्होंने कहा कि शहरों में तो अभी फिलहाल कोहरा कम होता है, लेकिन हाईवे पर बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, जिस वजह से ट्रक चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पिछले वर्षों को देखते हुए अगर बात इस वर्ष की जाए तो ठंड के साथ साथ कोहरा भी ज़्यादा पड़ रहा है, जिस वजह से कामकाज का काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लोगों का यह भी कहना है कि सुबह घर से निकलना ही बहुत मुश्किल होता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से ही ग्राहक आते हैं, जिस कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बहुत परेशानियाँ होनी है, एक्सीडेंट बहुत तो जदीद है कुछ नहीं भाई, नेरा तो है देखो कोई शहर के बच्चे दिखा तो कोई बाद दीदे कख नहीं गा, शहर से घट है पिंड ज्यादा है, रोड तो दीदे कुछ नहीं, बहर जो हो शहर चो तो दीदे कुछ नहीं, आराम ना तो दिन चढ़ता जाइए तो कहीं रात बराते बंदा ले फिर है, हम तो तुरंत सफर ही नहीं होंगे जी, धुंद कारण दीदे कुछ नहीं, सब नुकसान जी, सब कम ही ठप्प हो पाया, हाँ जी धुंद ठंड से कम कौन करूगा, हाथ सीधे नहीं होंगे, मोटरसाइकिल तो मुंडा मुंशी होने आया तो मशीन बहर निकलने का हाथ बड़े ठहरे है, एक्सीडेंट का ध्यान रखना मालिक है जी, ये सहजे सहजे आस्ते आस्ते चलाई चाहिए है, जो काली करता फिर नुकसान ही होना होगी, होना धुंद चीता तो कोई है नहीं जी, पर ड्राइवरी लाइन के बहुत औखा ड्राइवर धुंद शहर के घट है, बहुत खुले हवा चुज जाती खुले एरिए, इस करके मुश्किल बहुत आ रही है, टहल एरिए बहुत घट आ, थोड़ा शहर के बहर एरिए जाओगे उत्थे ज़्यादा आ, उस एरिए घट जाते। जंडियाला गुरु में पीतल के बर्तन बनाते ठठियारा के कारोबार को उत्साहित करने और इससे अमृतसर के सैर सपाटा के तौर पर और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने जंडियाला गुरु में ऐतिहासिक और सबसे पुरातन ठठियार मंडी को विरासती बाजार के तौर पर उभारने के लिए लगभग 12.25 करोड़ रुपये के कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ठठियारा बाजार को विरासती गली के तौर पर विकसित करने के लिए 7 करोड़ 15 लाख रुपए और यहां पर विरासती गेट को बनाने के लिए लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उक्त दोनों कार्यों के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि इस रिवायती काम और कला को संवारने के लिए बहुत ज़रूरत थी ताकि आने वाली पीढ़ी को इस कला के बारे में अवगत करवाया जा सके। जंडियाला गुरु की दिशा को संवारने के लिए 5 गेटों का निर्माण इस प्रोजेक्ट के अधीन किया जाना है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। विरासती बाजार तो विरासती बाजार है जी, जंडियाला शहर बहुत पुराना शहर है, हिस्टोरिक शहर है और बड़े लंबे समय तो इस शहर दिया यूनेस्को की हेरीटेज साइट पर देखो यहाँ नाम जरा सो इनू बचा रेनोवेट करना इनू होर वधिया दिख देनी जी मैं बड़े लंबे समझता पर बड़िया सरकार आईया बड़े MLA आए इतने आते सके आ के थोड़ी बहुत ही गलबात की लोगों जरा माड़ी मोटी गलबात की उस तो बाद एक्शन कोई नहीं सीगा कभी एक्शन नहीं होया इस बाजार के उत्ते काफ़ी पिछली सरकार के वेले भी मंत्री भी आते रहे MLA भी आते रहे पर बड़े दुख की गल सी कि बात सिर्फ एक दिखाने वास्ते एक गल करने वास्ते एक बयान देने वास्ते सो मेरे मन की इच्छा सी कि जड़ा शहर आ इनू वधिया दिख प्रदान होनी चाहिए आ शहर चोटी के पंजाब के शहर के एक होना चाहिए सो असी अज इतने विरासती गेट खरजाना वाला बाजार जोड़ा वह अज गेट का उद्घाटन किया और जड़ना भी यह बाजार आगे उन्होंने सारे एक विरासती लुक बना कारण की रहे विरासती लुक इस कल बाजार नहीं दी जाएगी नहीं नहीं बाजार क्योंकि ये साइट जी क्योंकि इतों ये जेडे इतने एशिया की सब अच्छ इस वे लोग बड़िया समस्यावान के नाल जूझ रहे बड़ा इन्ह दियाँ होर बहुत ज्यादा समस्यावान असं होर भी काम कर रहे हैं कि जिमें इन्हों होर भी कोई टैक्सेशन वगैरह तो छूट दी जाए होर भी कोई जिते जिते भी फाइनैशियल बेनीफिट्स ने वो दे के इस इंडस्ट्री को दोबारा तो जरा ना वो जरा जीवित किया जाए ये साडा मुख्य सर कि बजट है बजट तो साडा टोटल जरा बजट आ इस बाजार का वो 12 करोड़ का
ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਗੇਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਖੰਭੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ G20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਏ ਜਾਮ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ फुलकारी लाइफलाइन ने लाल अस्पताल अमृतसर के सहयोग से फुलकारी सदस्यों उनके परिवारों और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में नए और पुराने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व्हीलचेयर मेडिकल बेड एयर गद्दे आईवी स्टैड मॉनिटर फूड ट्रॉली आर्म रेस्ट कमांड चेयर और उपयोगी चिकित्सा उपकरण मानवता की सेवा के लिए उपलब्ध करवाए इस अवसर पर फुलकारी WOA की अध्यक्ष टीना अग्रवाल एवं फुलकारी और लाल अस्पताल की प्रशासक सीमा महेश्वरी ने कहा कि फुलकारी संस्था की ओर से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए छोटा सा प्रयास किया गया है यह उपकरण लोग अपनी जागरूक ज़रूरत के अनुसार ले सकेंगे और ज़रूरत खत्म होने पर वापस कर देंगे उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और वापस किए गए सभी उपकरणों को अस्पताल की देखरेख में प्रोटोकॉल के अनुसार साफ और रखरखाव किया जाएगा उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे आगे बढ़ें और इस नेक पहल में भाग लें क्योंकि उनका छोटा सा कार्य दुनिया को बदल सकता है अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट प्रेसिडेंट फुलकारी वुमेन ऑफ अमृतसर आज हमने फुलकारी लाइफलाइन का इनॉग्रेशन किया है इधर लाल हॉस्पिटल में जो श्रीमती पार्वती देवी हॉस्पिटल का यूनिट 2 है यहाँ पे हमने एक यूनिट स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको मेडिकल इक्विपमेंट फ्री दिया जाएगा फुलकारी मेंबर्स उनके फैमिलीज और उनके डिपेंडेंट मेंबर्स के लिए मेडिकल इक्विपमेंट एज इन हमारे पास है मेडिकल बेड हैं व्हील चेयर्स हैं ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं IV स्टैंड्स हैं एयर मैट्रेसेस हैं फुटस्टेप्स हैं मतलब बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट जो भी घरों में ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए ये हमने 2021 में फुलकारी ने हॉस्पिटल को कॉन्सनट्रेटर्स दिए थे 9 कॉन्सनट्रेटर्स उनका बहुखूबी इस्तेमाल हुआ है अबाउट 18 फैमिलीज ने इनका इस्तेमाल किया ओवर द ईयर्स एंड उनके लिए बहुत लाभदायक रहा फीडबैक बहुत अच्छा था इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हुए हमने इसको और आगे बढ़ाया कदम इसको अब हमने चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं और ये बढ़ता जाएगा जैसे आज ही हमें बहुत कुछ डोनेशन में मिला है आज हमें बेड मिला है एयर मैट्रेस मिली है व्हील चेयर मिला है इसको धीरे धीरे और आगे बढ़ा के पूरी कम्युनिटी के लिए खोलेंगे हम तहे दिल से लाल हॉस्पिटल एंड श्रीमती पार्वती देवी हॉस्पिटल का शुक्रिया है उनके ओनर हमारे साथ खड़ी हैं सीमा महेश्वरी ये एक फुलकारी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं इन्होंने हमें ये जगह दी है किसी से भी कोई रेंटल नहीं चार्ज होगा ये सब फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी बिल्कुल इसके कोई चार्जेस नहीं है और आगे हॉस्पिटल भी हमसे कुछ भी नहीं ले रहा है ये फुलकारी के इस नेक कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं सीमा आपका कुछ टीम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ पार्वती देवी हॉस्पिटल में लाल हॉस्पिटल पार्वती देवी हॉस्पिटल का ही पार्ट है हमने यहाँ पे एक इनको फुलकारी को एक एरिया दिया है जिसका हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको भी ये सामान चाहिए यहाँ पे जो हमारे पास है वो हमारे मेंबर्स हैं दो मिली लूथरा एंड सिमरन दास उनके थ्रू कांटेक्ट करके इन सामान को ले सकते हैं इसके लिए उनको छोटा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा जो उनको वापस मिल जाएगा जब वो वापस सामान रिटर्न करेंगे पर्पज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का सिर्फ यही है कि उन चीज़ों को वो अच्छे से मेंटेन रखें जिस कंडीशन में लेकर गए हैं उसी कंडीशन में दें तो ताकि आगे भी वो यूज़ आ सके और इसके बियॉन्ड हम किसी से कुछ भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हॉस्पिटल फुलकारी से कोई रेंट नहीं ले रहा है और ये जगह हम सिर्फ होल एंड सोल फुलकारी को सामान रखने के लिए दे रहे हैं मेंटेनेंस एंड सैनिटाइजिंग पार्ट वी विल टेक केयर एज एन पार्वती देवी हॉस्पिटल जितना भी इक्विपमेंट जो बाहर जाएगा वो वापस आने के बाद सारा सैनिटाइज होगा उसकी जहां मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो मेंटेनेंस होगी हमारे पास अपनी टीम्स हैं जो मेंटेनेंस करती हैं वो इस इक्विपमेंट की भी मेंटेनेंस करेंगी
अमृतसर के अधीन आते इलाके जबाल रोड में चार साहिबजादों की याद में एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन जबाल रोड से शुरू होकर अलग अलग इलाकों से होता हुआ वापस जबाल रोड पर आकर संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अक्षय गुप्ता ने विशेष रूप से शिरकत की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के ब्लॉक इंचार्ज सनी सोहता की ओर से अपने घर पर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान उनके परिवार की ओर से आई हुई संगतों में लंगर भी बरताया गया। इस मौके पर जसबीर सिंह नानी, प्रधान मंगल सिंह टिंकू, बख्शीश सिंह, निशान सिंह राजू और आम आदमी पार्टी की पूरी टीम मौजूद रही। इस मौके पर ब्लॉक प्रधान ने कहा कि हम सबको गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज सब तो पहले मैं पूरे पंजाब वासियों नूं, पंजाबियों नूं जिथे किते भी बैठे ने गुरपुरब की इस महान दिन के उत्ते मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। और जिस तरह कि तुम सारे जानते हो कि अज बड़ा ही एक इतिहासिक दिन है, दसवीं पातशाही धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब के उपर मैं सारे देशवासियों नूं जिथे किते भी पंजाबी साढ़े भरा बैठे ने सब नूं मुबारकबाद दिना और गुरु जी के चरणों से यही अरदास करदा कि हर पंजाबी जिहड़ा वो चढ़दी कला च रहे और जिस तरह के जिहड़ा सपना साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जिहड़ा संजोया पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाने लई गुरु बादशाह सच्चे पातशाह जिहड़े आ उह साढ़े ते मेहर प्रयास रखन और सानूं बल देन शक्ति देन कि इस सपने नूं असीं साकार कर सकीए। सो वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। थैंक यू। नगर निवासियों जिन्हें भी इस इलाके के साडे वार्ड नंबर 71 के निवासी ने उन्होंने मैं गुरपुरब दी लख लख बधाई दिना। नाल ही जिहड़े साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे हलके के MLA डॉक्टर अजय गुप्ता जी पहुँचे से मैं उन्होंने भी दिल दी गहराइया तो धन्न करता। जिनी संगत साडे निवास स्थान पर पहुंची अज ठाकुर जी सिटी के उन्होंने सारे का मैं पहुँचने सारे का धन्यवाद करता और सारे यही प्रण दिना कि आप गुरु साहब के नाल जुड़े रहिए और यहोजे जिहड़े गुरपुरब आ वध चढ़ के लोग जिस तरह बाबा नानक जी ने कहा कि वंड सकीए तो किरत करिए। सारे यही अपील आ कि जिहड़े बाबा साहब ने साडिया ने उद्देश दिते सी सानू उन्हां दे राहां ते चलीए। सो नगर कीर्तन सी जिहड़ा अज चबार रोड तो चालू हो के साडे ठाकुर जी सिटी के पहुंचे, सारे असीं वधाइयां दिंदे और सारे देशवासियों नूं असीं गाइडलाइनस ते लोकां लई और जिहड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करदे ने और की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आ सर। सब तो पहला तो लख लख वधाइयां नवें साल दियां सब नूं, गुरु रामदास जी महाराज कृपा करन सारिआं ते कि साडा आपसी भाईचारा दे प्यार इसे तरह बनिया रहे। बाकी नवें साल दे उत्ते मैं सारिआं नूं अपील करनी चाहुंदा कि कोई भी सब तो पहला तो वैपन लैके ना घूमया जाए। किसी भी आपां होटल जां किसी रेस्टोरेंट 'च जाना बिल्कुल वैपन नहीं होना चाहिए, बाहर भी किसी कोलों वैपन लैके ना घूमया जाए। इस तरह ही जिहड़ा आपां देखा आम देखा जांदा कि गड्डियां 'च बैठ के शराब पींदे आ जां कोई बहुता शोर शराबा करना और जिहड़ा उच्ची आवाज़ दे विच गाने लाउणे, ये चीज़ां जिहड़ियां इहनां ते साडी पूरी सख्ती होगी। मैं इहदे 'च अपील करनी चाहुंदा सारे इहनां दे जिहड़े पेरेंट्स आ कि उह अपने बच्चों का खास कर ख्याल रखन कि वह सारे रल मिल के ही आपां नवां साल मनाईए तां जो कि किसी नूं कोई तरह की प्रॉब्लम ना आवे। असीं 24 घंटे तुहाडे वास्ते हाजिर हाँ। मैं फिर तो सारिआं नूं मुबारकबाद दिंदा नवें साल की। सर होटल और जिहड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं या रेस्टोरेंट वाले उन्हां वास्ते की गाइडलाइनस सर नवें साल लैके? उन्हां वास्ते साडियां आलरेडियां पिछले पूरी वीक तो लगातार पूरे सब डिवीजन वाइज उन्हां नाल मीटिंगां हो गईआं और उन्हां नूं पूरी गाइडलाइन दे चुके हैं कि वह जदों भी अपना उन्होंने प्रोग्राम जिहड़ा करना, एक सब तो पहला तो किसी कोई हथियार वगैरह ना हो और उन्होंने जिहड़े अपने भी कई बार मैं देखा होटल दे विच बाउंसर वगैरह लाए वो भी वधिया तरीके नाल लोकां नाल विहार करन, पर जे कोई शराब पी के जां कोई गलत करदा तो साडे नाल पूरा टाई अप रखन, साडी पुलिस पार्टियां साडे नाके लगे आ ते लेकिन आपसी कोई झगड़ा वगैरह ना करन। पर उन्होंने जिम्मेवारी बनती है होटल रेस्टोरेंटा की कि वो ये चीज़ को क्लीयर करन कि कोई भी बंदा वैपन लैके तो नहीं बैठा, ये उन्हें जिम्मेवारी है। सर खासकर नवे साल के मौके के उपर लॉरेंस रोड चौंक बहुत रश होंगे और उतने की इंतजाम सिक्योरिटी?
ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 70-72 ਪਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਲ SHO ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ DSP ਔਰ ACP, ਈਵਨ ਅਸੀਂ DCP ਔਰ ਸਾਡੇ CP ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਓ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨ ਕੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਿਬਨ ਕਾਟ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਇਰਨ ਕਾਰਿਆਲੇ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਪਾਠ ਕਾ ਭੋਗ ਡਾਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਚਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਭੀ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੋ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਾਚਾਰਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਸਮਸਤ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੋ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਕਰ ਵ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ, ਪ੍ਰਾਚਾਰਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੂਨਮ ਸਚਦੇਵਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਰੋ ਇਹੀ ਭਾਤੀ ਸਭ ਤਜ
भजन करो दिन राती, सबका जे भजन करो दिन राती। ओ पिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जा पर कृपा नाम की होई, जा पर कृपा राम की होई। उता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। हनुमान लला की आरती कीजे, हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान जाके बल से गिरिभर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। देवी रघुनाथ पठाई लंका जा, लंका तो कोट समुद्र सिखाई। अति पवन सुत तार न लाई, लंका जारी असुर दल मारे। सिया राम जी के आरती कीजे की, आरती कीजे हनुमान की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े तकारे, जीवन उबा मैं वो ज्यादा वीआईपी गेस्ट बन के राजी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी टीम का मेंबर हूँ, इसलिए मुझे पता है कई लोग जानबूझ के डिले आते हैं या और आते हैं। मेरी वैसी नेचर नहीं है कि मुझे ये नहीं रहता कि मुझे कोई मिलेगा, मुझे कोई बुके चाहिए। केवल आप लोगों से मिलना होता है, हम एक ही टीम है, ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचना कि साहब, तो यार कई बार दिमाग में होता है कि हमें तैयार भी नहीं होने देते और आगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे भी पता था कि मैं डिले बाहर रुक जाता, 15 मिनट रुक जाता या लेट चलता, तो मेरी ऐसी नेचर नहीं है। मुझे ये रहता है कि जो टाइम दिया हुआ है, आपको 9:15 का टाइम दिया था मैंने, तो मुझे था कि 9:15 पहुंचना है, हो सकता है रास्ते में फोग मिले, तो वो फोग थोड़ी सी कम थी और ड्राइवर ने फास्ट खींच लिया, तो फिर मेरे को रुकने का नहीं होता कि पहुंच गए तो चलो ठीक है, अपना ही घर है ना, ठीक है। तो आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, और हम एज ए टीम बढ़िया काम करेंगे। पहले भी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम किया है, एक्सीलेंट काम किया है। तो ही आप, तो ही जो आपके लोग हैं, देखो आपके कदम जी एजीएम से डीजीएम प्रमोट हुए, महेश 4 से 5 प्रमोट हुआ, तो ये सारी चीजें किस लिए है, क्योंकि आप लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है। और इन फ्यूचर भी हमारा बैंक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल टीएमसी हुई, एमडी साहब ने बहुत खुश थे, हमने टोटल बिजनेस 20.69 लाख करोड़ का किया, और
जो बैंक के एफिशिएंसी पैरामीटर्स होते हैं, बैंक के एफिशिएंसी पैरामीटर्स क्या हैं कि जब रिकवरी फ्रेश स्लिपेज से ज़्यादा हो जाए तो वो एफिशिएंसी पैरामीटर माना जाता है। तो हमने ये फोर्थ क्वार्टर है कंटिन्यू कि जहाँ हमारी रिकवरी जो फ्रेश स्लिपेज से ज़्यादा है और बहुत अच्छे मार्जिन, हमारा रिकवरी लगभग 6500 है, फ्रेश स्लिपेज 2500 के आसपास है, तो काफ़ी गैप से हमने अच्छा प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि जब 4000 हमारी रिकवरी ज़्यादा है तो आप उसमें प्रोविजनिंग मोटा मोटा लगा लो कि 50% भी अगर हम रिवर्स करवा पाते हैं तो 2000 हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट में ऐड होगा। तो ये हम सब लोग बैंकर हैं तो ये कैलकुलेशन भी हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें क्योंकि बैंक अपना है, जैसे मान लो MD साहब क्या बोल रहे थे कि पेरेंट्स जैसे काम करते हैं ऐसे ही वो काम करते हैं, हमारे MD साहब बहुत मेहनत काम करते हैं, वो रात को 10:30 से पहले कभी नहीं जाते ऑफिस से, सुबह एग्जैक्ट 9:15 वो पहुंच जाते हैं। तो जब हमारा बॉस इतना मेहनती है तो हमारी भी एक ड्यूटी है कि हम भी बैंक को आगे ले जाने में जितनी उनकी सपोर्ट कर सकते हैं उतनी सब लोगों को सपोर्ट करनी है। क्योंकि जैसे मैंने PGV की मीटिंग अटेंड की 1 तारीख को, उनका फाउंडेशन डे था, तो वहाँ पे कितना स्टाफ लॉयल है उनका, कितना डिवोशन है, डेडिकेशन है, आपको देखने वाला है। क्योंकि वहाँ कल्चर एक्टिविटीज़ थी तो वहाँ स्टेज से ही बोले जितना भी स्टाफ था कि हमारा जैसे फादर होते हैं, फादर हमें रोटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, जितनी हमारी नीड्स हैं वो पूरी करते हैं, ऐसे ही बैंक हमें हमेशा के लिए सब कुछ देता है, तो ये भी हमारे फादर समान है बैंक, तो इसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छे प्रीमाइसिस में आए, और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि लगभग 50% हम पहले से ज़्यादा ग्रोथ देंगे। सर आज नव वर्ष पे PNB ने इनॉग्रेशन की है, उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं सारी हमारी जितने भी देशवासी हैं उनको देना चाहूँगा PNB परिवार की ओर से, क्योंकि आज हमारे रैम का शिफ्टिंग हुआ है, पहले काफ़ी डिस्टेंस पे रैम था परंतु आप बिल्कुल सिटी के अंदर, हमारा रैम यहाँ पे आ गया। ये क्या है कि पब्लिक को इसमें कन्वीनियंस होगी, आने जाने में कोई भी उनका प्रपोजल होता है तो वो यहाँ आके रैम हेड से या स्टाफ से वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि PNB हमेशा लोगों का बैंक रहा, PNB का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1895 में हुआ, 1895 में इसका फाउंडेशन लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया, तो PNB का शुरू से ही जो मकसद रहा है कि जनता की सेवा करना, तो वो आज भी हमारा वही मकसद है हमारे स्टाफ का कि हम पब्लिक की जितनी भी सर्विस कर पाएँ डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो हमारा स्टाफ उसके लिए हमेशा तत्पर है। आगे भी हमारा यही काम रहेगा, क्योंकि बैंक बहुत अच्छे प्रोग्रेस पे है, बैंक फॉरवर्ड वे जो है राइट वे में हम जा रहे हैं, और ग्रोथ लगभग इस क्वार्टर में हमने 13% ग्रोथ की, और जो हमारे बैंक का बिजनेस है वो 20.69 लाख करोड़, यानी कि 20 लाख करोड़ के जो मार्क था उसको भी हमने क्रॉस किया। ये सब जो कंट्रीब्यूशन है ये पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है, जनता का कंट्रीब्यूशन है, उनके सहयोग के लिए हम उनका जनता का धन्यवाद करते हैं, और आगे भी हम जो सेवा हम पहले से कर रहे हैं पब्लिक की वो आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद। जालंधर के सिविल लाइन स्थित पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल प्रमुख भूषण शर्मा ने की, जिसमें अमृतसर जोन के जोनल मैनेजर प्रवीण गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनके द्वारा बैंक के प्रति की जा रही बढ़िया कारगुजारी की प्रशंसा भी की। इस मौके पर समूह स्टाफ ने वातावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए पौधे भेंट कर सभी को सम्मानित किया। इस मौके पर MCC प्रमुख सुधीर शर्मा और नरेंद्र सिंह जस्सी ने आए हुए मेहमानों को दोशाला देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुकेश कुमार सेठी, चरणजीत सिंह मुल्तानी, मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार, पूनम सचदेवा, संजय सिंह, अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। इनके अंदर वो कोशिश करता हूँ कि हमेशा रहे, बाहर निकलने दे, उससे पहले दोबारा आ जाता हूँ इनके पास टू है ना री इंजेक्ट दैट डोज। और
जब हमने ये रैम को यहाँ शिफ्ट करने के लिए कोशिश की और उसके लिए जो साहब का सपोर्ट मिला, तब एक हमने रिटर्न में दिया हुआ था कि 25% जो है बिजनेस ग्रोथ विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लोकेशन, सिर्फ लोकेशनल एडवांटेज से ही हमें 25% ग्रोथ मिलेगी। तो अब आए सुबह तो 50% थी और उसके बाद अब विज साहब की कृपा से अब ये 100% की ग्रोथ होने का आशीर्वाद मिल चुका है। तो ये हमें बहुत अच्छा है कि ये हमें ऊपरी कृपा से और अपने पॉजिटिविटी से हम लोग इस काम को अचीव करेंगे। और जो अभी हमारा PLP सारे सेगमेंट्स में नंबर वन नहीं है, एग्री में है लेकिन रिटेल में कहीं पीछे है, वो हमारे भी उसमें कुछ ब्रांचेस की अभी कुछ कमी है कि हम लीड नहीं दे पाते। लेकिन आज सर के सामने फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कोटे की जो है पर स्टाफ टू लीड वाली उसको पूरा करिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके सारे स्टाफ का जिस दिन सबका पूरा हो जाएगा हम एक ऐसा सेलिब्रेशन और करेंगे कि वी मे बी द फर्स्ट PLP पैन इंडिया टू हैव गिवन टू लीड्स पर स्टाफ। कालिका धाम ज्योतिषालय किशनपुरा जालंधर में एक विशेष मीटिंग का आयोजन आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ बबलू पंडित की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ ने बताया कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2023 को कालिका धाम में दूसरी विशाल चौकी एवं भंडारे का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये चौकी निःशुल्क दुख निवारण चंडी महायज्ञ के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही है, इसलिए उन्होंने सभी माँ भक्तों से अपील की कि वे इस माता की चौकी एवं भंडारे में शामिल होकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मौके पर अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। पात्र है ये सारे सेवादार है साड़ी मां बगला मुखी धाम दे जिन्ने भी सेवादार है वो आज बधाई दे पात्र है। कारण धर्म की हानि होंगी जा रही है, बहुत घट लोग है जेडे धर्म के नाल जोड़ते जा रहे हैं लोगों, चाहे कोई मृदंग बजा के जोड़ रहा है, छेड़े बजा के जोड़ रहा, भगती नाम रस ला के जोड़ रहा, कोई भगवान श्री हरि बन के आ रहा। असी तां एक चीज देखी है कि जदों जदों फसिया उदों उदों मुरली वाला ने साथ दिता, वो अज जिहड़ा नाम रखिया संधे दा एक शामा पितांबरा के नाम, भगवान श्री हरि कृष्ण भी पितांबरधारी है, मां जगदम्बा भी पितांबरधारी है, बड़ी रहमत है और बहुत सारे वधाई दे पात्र है। रात 12:30 भी इन्ना हजूम बैठा जिहड़ा महामाई का गुणगान कर रहा, यह सारे उहदे भगतां दे सिर दे उत्ते ही है। एदां ही ईसवीआं साल जिदा भगत जी ने पहला गया अंग्रेजा दे है, पर कुछ एक समय दे नाल परिवर्तन हुंदा, जे बच्चे चाहते हैं नवा साल चढ़िया 2023 भागा भरिया होवे, सारिया दे घर परिवार च सुख शांति होवे, शरीरिक निरोगता दवे और मां एदां ही सानू जोड़े अपने चरणा च लगातार नामदान बख्शे। मां बगला मुखी धाम च हर वीरवार हर शनिवार निःशुल्क हवन यज्ञ हुंदा है, आप ही आओ अपने सगे संबंधी रिश्तेदारां नूं नाल लैके आओ, कोई पैसा नहीं मंगिया जांदा। एक चले सी 1 तों 10 होए, 10 तों 10 लाख हो गए, पता ही नहीं लगा, ये उन्हां दी रहमत है। और अगली 9 तरीक जिहड़ी है 9 जनवरी है, उस दिन एक विशाल चौंकी का आयोजन किया जा रहा है, शाम 8 बजे तो उन्हां दी इच्छा तक सारे जिन्ने भी भगत जन सादर सा परिवार आमंत्रित है, भोजन प्रसाद के नाल माँ का गुणगान भी करांगे। इस दे नाल नाल बहुत समय तुहाडा लिया, महामई कृपा करे एक हाजरी महंत जी लाणगे। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से किशनपुरा कालिका धाम में हर शनिवार को निःशुल्क दुख निवारण चंडी महायज्ञ जो हर सप्ताह किया जाता है, इसी तरह जब सप्ताह में महारानी का आवाहन किया जाता है और एक वर्ष पूरे होते हैं तो माँ भगवती का विशेष आवाहन पूजन वंदन और भगवती माँ चंडी की चौकी का आयोजन किया जाता है। इस बार दूसरी विशाल माँ भद्रकाली की चौकी 9 जनवरी दिन सोमवार को कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा में मनाई जा रही है। आप सभी शहर के जितने भी श्रद्धालु हैं भक्त हैं, आप सबको पहले तो नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी के चरणों में
प्रार्थना करते हैं आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा देश स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, ऐसी कामना करते हैं। और आप सबको महारानी की तरफ से 9 जनवरी दिन सोमवार के लिए आमंत्रण है। आप सभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कालिका धाम किशनपुरा में अवश्य पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। माता दी, मैं पंडित गौरव शर्मा कालिका धाम से। जैसे कि पंडित जी ने अभी बताया कि महामाई का जैसे हर शनिवार को चंडी महायज्ञ होता है, उसके उपलक्ष में हर वर्ष पूरा होने के बाद महामाई का गुणगान किया जाता है और महामाई से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस वर्ष नव वर्ष की 9 जनवरी को शनिवार वाले दिन रात 8 बजे से 12 बजे तक महाकाली जी का गुणगान किया जाएगा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि माँ के दरबार में आएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, और सबको नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। कालिका धाम ज्योतिष पृथ्वी नगर से अपने सभी भक्तों के संग आज आप सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ नवे साल की। और साथ में हम हर साल यहाँ पर माता रानी की चौकी का आयोजन करते हैं, और इस वर्ष 2 साल पूरे होने पर एक विशाल चौकी का आयोजन जो है 9 तारीख दिन सोमवार शाम 8 से 12 बजे तक माता रानी का गुणगान होगा और विशाल भंडारा होगा, जिसमें माँ की इच्छा के अनुसार सारा कार्यक्रम होगा। हमारे कालिका धाम के आचार्य इंद्रदेव बबलू जी, उनके द्वारा लोगों का दुख निवारण, सभी कष्टों का यहाँ पर उसी दिन हल किया जाएगा, और किसी को किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर 9 तारीख को पंडित जी के पास आएं और पंडित जी उनको हर समस्या का हल करेंगे। और मैं शहरवासियों को, अपने सभी भक्तों से, अपने भक्तों की तरफ से सभी को आपसे निवेदन करता हूँ कि आप शाम 9 तारीख को 8 बजे पहुंचकर यहां पर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। गत दिवस दीपक रबड़ एंड केमिकल इंडस्ट्री के संस्थापक एवं प्रसिद्ध समाज सेवक दीपक सूरी के पिता कैप्टन धर्मपाल सूरी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे थे। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल जालंधर में संपन्न हुआ। इस दौरान पंडित गुलशन शर्मा ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय धर्मपाल सूरी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, कमलजीत सिंह बेदी, डॉक्टर सतीश शर्मा और पारिवारिक सदस्यों में निर्मला सूरी, दीपक सूरी, बबीता सूरी, राजेश सूरी, रोजी सूरी, संजीव फुल, पलक सूरी चौहान, शांतनु चौहान, रविंदर सहदेव, सागर फुल, गौरव फुल, शेखर सहदेव, प्रियंका सहदेव सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय धर्मपाल सूरी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा नानकपुरा में से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया व पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। इस दौरान गतका पार्टियों ने गतका के जौहर भी दिखाए। वहीं संगत ने जगह जगह लंगर लगाकर व पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर SGPC सदस्य बीबी दविंदर कौर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैप्पी सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। मैं दविंदर कौर, मेंबर SGPC। अज असी सारिया संगतां, शहर दियां जिन्नियां भी संगतां हन, हम हम आके गुरुद्वारा साहिब गुरु नानकपुरा तो चल के शहर शहर विच सारे मोहल्लिया चो हुंदे होए नगर कीर्तन कढ रहे हां। गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े ते असी बहुत धन्यवादी हां सारिया संगतां दे, अते मैं सारिया संगतां नूं बहुत वधाइयां देनी हां कि जिन्हां ने बहुत चावां नाल बड़े
उत्साह नाल संगतां आ के सारियां संगतां गुरु दे जस गायन कर रहियां हन, गुरबाणी कीर्तन नाल जुड़ रहियां हन। अते इह नगर कीर्तन शहरां दे विचों हुंदा होया सारे शहर विचों, बठिंडा शहर विचों, धोबी बाजार, इधर अपने पावर हाउस रोड, अजीत रोड, अजीत सिंह रोड, सारे इतों हुंदे होए असीं फिर गुरद्वारा साहिब गुरु नानकपुरे सारियां संगतां इत्थे पहुंचांगे नगर कीर्तन दे रूप विच। ते मैं सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। सारी संगत नूं, कुल लोकाई नूं गुरु नानक नाम लेवा जिन्नियां संगतां ने सब नूं बहुत बहुत वधाइयां देने हां अज दे प्रकाश दिवस ते। अते सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने रस्ते विच दुध दे लंगर, चाह, फ्रूट दे लंगर लाए हुए ने। सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद, मेरे वीरां दा, तुहाडा मीडिया वालियां दा, सब दा ही बहुत बहुत धन्नवाद जी आया नू, सारियां संगतां नू जी आया बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा हैप्पी सिंह है, गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक गुरुद्वारा प्रधान। यह नगर कीर्तन धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिहाड़े नू मुख रखते हुए कढ़िया गया। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब गुरु नानकपुरा तो आरंभ होकर किकर बाजार, किकर बाजार तो बस स्टैंड, बस स्टैंड चो अजीत रोड, अजीत रोड चो घोड़ा चौक, फिर डॉक्टर बख्शी वाली गली, फिर अज बाल रोड तो हों समाप्ति शायद गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा तो। यह नगर कीर्तन में बहुत संगत ने बहुत सहयोग दिता, असी तह दिलों उन्हों का धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। विक्रमजीत सिंह गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा सिंह दल बठिंडा तो सैकटरी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब में यह जो समर्पित नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहब को कढ़िया जा रहा है, सारे संगतों का धन्यवाद करते हाँ जिन्होंने गुरु महाराज की हजूरी में जा करके चार चार लगाए ने। यह जो नगर कीर्तन है शहर के वक् वक् बड़ा मतलब होंगे होया शामों समाप्ति गुरुद्वारा साहब विखे होगी। धन्यवाद करते हाँ आप जय वीर का, मीडिया वाले का जिन्होंने इस नगर कीर्तन गुरु महाराज की गुरबाणी को प्रकाश पर्व में देशों विदेशों तक पहुँचाना गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नव वर्ष 2023 के स्वागत में जालंधर हाइट्स 2 में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार सीमा गल्होत्रा के आवास पर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा गल्होत्रा व वरुण शर्मा ने रस्मी भजनों के माध्यम से भक्तों को प्रभु के चरणों से जोड़ा। अपने संबोधन में सीमा गल्होत्रा ने कहा कि हम सभी को नए साल की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इस दौरान भजन गायक गोपाल पांडे और कन्हैया लाल ने भजन गाकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर हिमांशु गल्होत्रा, प्रियंका गल्होत्रा, बलविंदर गल्होत्रा, रोज गुप्ता, राजन गुप्ता, सोनिया, लवली, पूजा, शालू, रितु भंडारी, यास्मीन, सत्य, तनु, सीमा शूर, सुनीता, सोनिया सोबती, वरुण शर्मा, पूनम, तरुण और राहुल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए स्वदेश भगत की रिपोर्ट। सदा मेरियों से मुझे तुम बचाना, मुझे री आदत पड़ गई है फिर बिन रह नहीं सकता तेरी आदत पे।
पंजाबी माँ बोली को लागू करवाने के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे समाज सेवी और पंजाबी माँ बोली सत्कार कमेटी के नेता लखा सिदाना डिप्टी कमिश्नर बठिंडा के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाज सेवक लखा सिदाना ने कहा कि सरकार द्वारा 21 फरवरी तक पंजाबी माँ बोली को लागू करने का समय दिया है, जो कि प्रशंसनीय कदम है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह जमीनी स्तर पर पंजाबी बोली को बनता मान सत्कार दिलाने के लिए काम करे, क्योंकि कई जगहों पर शब्दों का हेर फेर किया जा रहा है। शब्द पंजाबी के हैं जबकि उनके अर्थ हिंदी अंग्रेजी में होते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि पंजाबी माँ बोली को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कार्यालय के कार्य भी पंजाबी में करवाएं। मैं लखा सिंह सदाना जी, तो साड़ी जिहड़ी जथेबंदी है पंजाबी मां बोली सत्कार जथेबंदी पंजाब, उहदे वल्लों अज डिप्टी कमिश्नर बठिंडा नूं मिलण आए हैं, क्योंकि इन्हां ने अज मीटिंग बुलाई सीगी वख-वख अदारे महकमे जिन्हां संस्थावां पंजाबी मां बोली नूं लै के काम कर रहे ने उन्हां नूं बुलाया सी। तां असीं इस उपराले दा स्वागत करदे हां। जिहड़ा काम सरकार ने यह कहा है कि 21 फरवरी तक सारे जिहड़े बोर्ड ने, चाहे वह दफ्तरां दे बोर्ड ने, चाहे दुकानां दे बोर्ड ने, चाहे सड़कां दे बोर्ड ने, किसी प्रकार का बोर्ड है वह सारे पंजाबी च होणगे। पर असीं नाल दी नाल जिहड़ा अज साडा इत्थे आउण दा मकसद है, डिप्टी कमिश्नर बठिंडे नूं मिल के सरकार तक जिहड़ा साडा सुनेहा पहुँचाउण दा मकसद है, वह ये है कि ठीक है शब्दावली पंजाबी दी लिखी जाती है, शब्द पंजाबी दे हुंदे, जिवें तुहानूं मैं उदाहरणां दिंदा इक दो, जिवें कि नेचर पार्क लिखिया हुंदा, शब्द पंजाबी दे हुंदे, नंदे नूं लावां चाचा रारा नेचर, पप्पे नूं कन्ना रारा कक्का पार्क, असीं कहिंदे वी जिहड़े इह शब्द ने, इह शब्द शब्दावली भी पंजाबी दी होवे, शब्द भी पंजाबी दे होण, अक्खर भी गुरमुखी दे होण, ते नाल जिहड़ा इहदे अर्थ भी, जिवें नेचर पार्क नूं आपां कुदरती बाग, कुदरती बगीचा लिख सकदे हां, जिवें आम तौर ते दुकानां दे अगे लिखिया हुंदा है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इहनूं आपां तड़के की रोटी, दुपहर की रोटी, आथन की रोटी, जां सर्विस रोल लिखिया हुंदा आम तौर पर, यानी मैं कहना, मेरा कहने का भाव है कि अक्खर पंजाबी दे लिख दिते जांदे ने, जिवें इत्थे काम चलता सड़कां का काम चलता, जिवें वह बोर्ड लिखे पे हुंदे आ, अगे काम जारी है, प्रगति पर है, जो है पंजाबी दे शब्द ने लिखे उहदे अर्थ होर हुंदे ने, हाँ जां हिंदी जां अंग्रेजी दे जिहड़े अर्थ हुंदे ने। असीं एक तां इह कहना है कि सरकार तक साडा सुनेहा कि जिहड़ा तुसीं बहुत वधिया काम कर रहे हो उहदा स्वागत है,
एक तो यह इस गल का खास ध्यान रखा जाए भी जेडे शब्द के अर्थ ने शब्द भी पंजाबी दे अर्थ भी पंजाबी दे होण इहदे लई बड़ा जरूरी है। एक ये सुनेहा सी तो दूजा असीं ये कहना आए हैं इत्थे कि ठीक है बहुत वधिया काम है कि तुसीं बोर्डां दे उत्ते पंजाबी जिहड़ी उपरले पासे आऊगी सारिआं तों, पर स्कूलां दे विच जो माड़े हालात ने बहुत स्कूलों के असीं यही अज दसना कि सेंट जेवियर सेंट जोसफ स्कूल ने जां होर रामपुरे सा डिस्कवरी स्कूल है जां होर कई तरह के स्कूल इहो जिहे हैगे ने जिथे जवाकां नूं पंजाबी बोलण ते जुर्माने लाए जांदे ने रोकिआ जांदा है जां आम तौर ते बहाने बना ले जांदे स्कूलों वल्लों कि जी घर दे कह के गए है माँ बाप कह के गए है परिवार कहिंदा कि साडे बच्चे नूं तुसीं अंग्रे पंजाबी बोलण ना दिओ पंजाबी तां असीं घर ही बोलदे आं। नहीं, असीं किसी भी बोली किसी जबान के खिलाफ नहीं, सारिया बोलियां जबाना सीखनिया चाहीदियां ने पढ़नियां चाहीदियां ने बच्चों पढ़ाउणियां चाहीदियां ने, पर नाल दी नाल जे असीं अपनी माँ बोली दे नालों टुट जाएंगे तो फिर साडी कौम का खात्मा जिहड़ा तय है पंजाबी कौम का। तो पंजाबी जबान पंजाबी बोली मैं हमेशा कहना हुंदा कि किसी धर्म किसी फिरके की नहीं है, ये बोली हिंदू मुसलमान सिख सब की सांझी बोली है, सारिया अपना बनता माण तान इनू देना चाहिए। तो सरकार की सख्ती तो पहला मैं अपील भी करदा जिन्ने दुकाना वाले भरा ने जां होर जिन्हां दे घरां दे अगे तख्तियां लगियां होईयां ने, खास करके कली जिहड़ी वड्डी गल सामने आ रही है जिवें आपां गल करिए कि एक बहुत वड्डा इत्थे अपने भुच्चो दे विच कपड़िआं दा बणिआ होइआ मार्केट बणी होई है जिहनूं आउटलैट कह दिंदे आ, उत्थे जिन्ने भी बोर्ड ने सारे अंग्रेजी च ने, उहदे लई वी जिहड़े पंजाबी होवे ते अर्थ ते शब्द दोने पंजाबी दे होण। इस करके असीं जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर बठिंडे नूं मिल के सरकार तक सुनेहा पहुँचाउणा चाहुंदे आ कि जे तुसीं सच्चों ही सच्चे दिलों चाहुंदे आ कि पंजाबी मां बोली नूं पटराणी राणी बनाया जाए, पंजाबियों के सिर का ताज है साडी बोली है जिहड़ी साडा मान है साडी पहचान दुनिया करके साडी बोली करके आ, तां फिर सच्ची मुच्ची कम करो अमली रूप च लागू करो। ये ना होवे कदे कागजी पत्री कम रह जाए एक बार तुसीं कह दो कि हाँ असीं तां लागू करता, नहीं लागू फिर जे करना जिहड़ा कोई नहीं करता कोई स्कूलों वाला इहो जिहा हरकत करता पंजाबी बोलण तों रोकदा उहदी मानता रद्द करो, कोई दुकानां वाले अड़दे ने जां कोई होर अड़दे ने उन्हां दे फिर जो कार्रवाई बनती है वह सरकार करे। खा लोगों ने वालों एक वीडियो चुका गया सीगा वी जिहड़े बोर्ड सी इंग्लिश च लिखे सी उन्हां ते पुछा फेरा सी, एक पासे सरकार तुहाडे जिहड़ा सीगा मेहमानू मंनदी हैगी वी पंजाबी लागू कर रही है, दूजे पासे परचे भी हो। देखो ये चलो 16 परचे मेरे दे पहला सरकारां च होए कांग्रेस सरकार वेले होए बादल सरकार वेले होए, हुण एक परचा नवां इस सरकार ने भी देता 1 नवंबर नूं असीं रंग मारते ही दुबारे जदों इहनां ने 1 महीना पंजाबी पंजाब पंजाबी बोली नूं समर्पित 1 महीना मनाया सरकार ने, तो वह महीने के ने 1 नवंबर तो शुरू किया काम 1 नवंबर में दिखाया सीगा भी आह देखो इस बोर्ड के उत्ते ना हेठां ना उत्ते किते भी पंजाबी नहीं हैगी, तो असीं रंग मारे रंग दे उह असीं रंग मारन तों बाद साडे उत्ते जिहड़ा परचा थाणा शहणा दे दर्ज हो जांदा। सो उही गल आ जांदी है, एक पासे सरकारां कहिंदियां कि असीं पंजाबी मां बोली नूं बणदा मान तान उहदा दिवाउणा उहदा सरकार बहाल करना है, दूजे पासे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये नाल दी नाल एक होर असीं गल सरकार तक कह देना चाहुंदे आ कि ठीक है तुसीं ये काम कर लिया पर हुण साडियां अदालतां दे जिहड़ा काम कर उह पंजाबी च होना चाहिए, दफ्तरां दा काम सारा पूरा वधिया तरीके नाल पंजाबी च होना चाहिए, जिन्ने कोई सॉफ्टवेयर ने वो पंजाबी होने चाहिए, बैंकों के विचों हुण मैं देख रहा कि बहुतियां बैंकों ने पंजाबी बिल्कुल खत्म करती, तो ये सख्ती नाल लागू करने वाली गल्लां ने। हुण अदालतों के 2009 का यह हाई कोर्ट कह रहा है कि सानू पंजाब सरकार वल्लों जिहड़े बंदे दित्ते जाण पंजाबी वाले ते असीं पंजाबी अदालतों च तैयार लागू करन नूं, पर हुण सरकार दीआं मलाइकियां रहीआं ने पहलां सरकार ने ध्यान नहीं दित्ता। सो ये सरकार जे सच्चमुच सिरद हैगी आ तां फिर इस गल दे उत्ते वी अमल करना चाहीदा, जिहड़े पंजाबी ट्रांसलेट करते हैं पंजाबी का अनुवाद करते हैं वो बंदे जेडे कोर्टा च दिते जाए अदालतों दिते जाए ताकि साडा जिहड़ा काम कर इत्थे देखो बड़ा औखा हुंदा है, एक जिहड़ा महत्तर बंदा जिहड़ा सही चंगी तरीके नाल पंजाबी पढ़न भी नहीं जाणदा हुंदा उहनूं अंग्रेजी दे विच की पता है, जदों आपस में दो वकील बहस करदे आ जज नाल गल हुंदी आ जां उहदा कोई जजमेंट आउंदी आ फैसला लिखिया जांदा है, तो इह बहुत वड्डी गल है साडे लई, बहुत राहत दी गल होगी कि जे साडियां अदालतां दा काम जिहड़ा जे हुण दूजे सूबयां दे विच अदालतां दा काम हिंदी च हो सकदा है ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦਾ, ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਰੀਸੋ ਰੀਸ, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਆ। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਰੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਲੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਔਕੜ ਦਲੈਂਕੜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, ਦੋ ਦੂਣੀ, ਚਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ 69, 59, 79 ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਢੀਠ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਭੜਕਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਧਰਨੀ ਹੈ, ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ
ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਤਖਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾਹਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਕੂਲ 4 ਸਕੂਲ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਖਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਬਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪਰਚੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੱਕ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਕੇਰਲਾ ਦਾ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਹਲਚਲ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਕੀ ਗਾੜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਓ ਕਾਲਾ ਛਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸੇ ਟਕਰਾਈ, ਹੋਈ ਮੌਤ। मुख्यमंत्री पंजाब की चंडीगढ़ में सेक्टर 2 स्थित कोठी से कुछ दूरी पर राजेंद्रा पार्क में मिला बम शेल, मचा हड़कंप।